हरिओम 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 सर। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हमारे जो वार्षिक ज्ञानमाला महोत्सव है उनका चतुर्थ दिन है और आज के हमारे वक्ता है श्री शरद भाई जोशी, जो मेरे नक्षत्र पद्धति के गुरु रहे हैं। मैं उनके हाथ के नीचे नक्षत्र पद्धति सीखा, सायन पद्धति सीखा और वो आज हमारे बीच जैसे एक विशेष लेक्चर लेके आए हैं, जो हम लोग वर्गों में जो विषय पढ़ा नहीं पाते हैं उस विषय की एक रिसर्च बेस पे जो चर्चा करने जा रहे हैं, एक एस्पेक्ट यानी दृष्टियोग। तो आप लोग शांति से उनके ज्ञान का लाभ लीजिए। हरिओम सर, आप आराम कीजिए। हरिओम। विश्व ज्योतिष संस्था हर साल अपने गुरु श्री निरंजन भाई जोशी की याद में साल में एक बार व्याख्यान माला आयोजित करते हैं और उसमें आज मुझे सहभागी होने का जो लाभ मिला है उसके लिए उनके सर्वश्री संचालक श्री केतन भाई वागड़िया, दिलीप भाई जोगी और अन्य सभासदों का मैं आभारी हूँ और ज्योतिष विद्यार्थी मित्रों शरद जोशी का प्रणाम। करीबन मैं 42 साल से ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर अभ्यास कर रहा हूँ और अभ्यास के दरमियान हमें जो जो अनुभव होते हैं उसे कई बार पुस्तक के रूप में हम शेयर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब भी क्लास में सिखाते हैं तो एक लिमिटेशन हो जाती है कि बहुत सारे एक संशोधनात्मक जो फैक्टर्स रहते हैं वो हम क्लास में एक लिमिटेशन की वजह से उसमें रख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ऐसा कुछ मौका मिलता है तो मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूँ कि उसका लाभार्थी आप लोग भी हों। अब तक प्राइमरी डायरेक्शंस के अंदर अनइक्वल सेमिनार पॉइंट ऑफ व्यू एक संशोधन 1993 में रखा था, उसके बाद कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर तीन नया कंसेप्ट रखे थे जो मैंने बुक फॉर्म में दिए हैं, जहाँ प्रश्न कुंडली में नंबर 249 से ज़्यादा हो तो कैसे उसे वर्कआउट किया जाता है और वो आज सक्सेस भी दे रहा है। दूसरी कंडीशन ये रखी थी जिसमें रूलिंग पैड के थ्रू जो भी समय संशोधन करते हैं उसमें एक मर्यादा रहती थी कि कुछ डेटा अपने पास है कि मॉर्निंग या इवनिंग या 15 मिनट आगे पीछे या सनराइज सनसेट वो हिसाब से। लेकिन जब ये कोई जेन्युइन केस रहता है कि जिसके पास सिर्फ बर्थ डेट है, बर्थ प्लेस है और टाइम नहीं है तो उसे कैसे वर्कआउट किया जाए, तो जेन्युइन केस पे भी उसका एक सॉल्यूशंस मैंने नक्षत्र चिंतन पार्ट वन में चैप्टर नंबर 7 में रखा था। और तीसरी कंडीशन दी थी कॉमन जॉइंट्स रूलर थियोरी जो नक्षत्र चिंतन पार्ट में 2 में मैंने बुक के फॉर्म में दिया था। और आज यहाँ जो एक नया टॉपिक रखने जा रहा हूँ जो मुझे अपना अनुभव में जो मिला हुआ है और जब भी हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो जन्म कुंडली के अंदर जन्म डेटा लेते हैं, उसमें कुछ डेटा ऐसे रहते हैं कि जिसकी इम्पोर्टेंस हमें इतनी नहीं लगती है लेकिन उसे अगर शास्त्र के थ्रू देखा जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं उसकी लिंक जरूर मिलती है। जनरली हम सोचते हैं कि ग्रह फल कैसे देते हैं कुंडली के अंदर, तो फल देने की जो विविध भूमिका है ग्रह की उसमें उनका राशि के द्वारा भाव, नक्षत्र और दृष्टि, ये मीन उसके 4 पैरामीटर रहते हैं। और जब हम जन्म डेटा लेते हैं तो उसके साथ एक कंडीशन आती है कि जन्मस्थल, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस मैंने अपने हिसाब से जो लोग कुंडली के अंदर देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो अपने पूर्व जन्म के हिसाब से उसकी लिंक होनी चाहिए और मिलती भी है।
अभी ज्योतिष शास्त्र के अंदर अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो राशि के हिसाब से उनकी दृष्टि होती है हर एक भाव पे। साइन के अंदर दृष्टि होती है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं साइन के अंदर, जिसमें अंशात्मक दृष्टि योग रहते हैं, अंशात्मक के बाद में क्रांति पैरल रहते हैं, ये जनरल आप वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिटेल में जाए तो पैरेलल के अंदर भी चार तरह के दूसरे पैरेलल रहते हैं, जिसमें क्वाड्रेंट, रेप्ट, होराइजन एंड डायगोनल। और दूसरी कंडीशन रहती है कि जब हम एस्पेक्ट वर्कआउट करते हैं तो उसमें जोडियाकल और मुंडन एस्पेक्ट रहते हैं, तो वो एस्पेक्ट ऐसे रहते हैं कि जो जनरली हमें डिफरेंट उसके लिए पैरामीटर्स वर्कआउट करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वर्कआउट करें तो मुंडन एस्पेक्ट एक जनरल आइडिया अपने कस्पल चार्ट से भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये हो गई साइन के कंडीशंस के अंदर एक सिचुएशन रहती है। दूसरी कंडीशन रहती है जेमिनी शास्त्र के अंदर, उसकी दृष्टिया जो है एक अलग तरह की दृष्टि रहती है, कि जहाँ राशि दृष्टि करती है और राशि में बैठे ग्रह उसको पास ऑन करते हैं, तो वहाँ चर राशि स्थिर राशि पे, स्थिर राशि चर राशि पे और दिशोभा राशि पे अपने नज़दीक की राशि को छोड़ के एस्पेक्ट करते हैं और अर्घला रहते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट टॉपिक रहता है। ताजिक के अंदर गुप्त और स्नेह दृष्टि रहती है, वो उसका एरिया अलग है। वास्तु के अंदर दृष्टि योग एक अलग तरह से उसका उपयोग किया जाता है, और सर्वोदय चक्र में जो नक्षत्र के भेद रहते हैं चरण के हिसाब से वो अलग भेद होते हैं। तो इतनी सारे दृष्टि योग अपने शास्त्र के अंदर हमें मिलती है। यहाँ जो एक अनुभव के तौर पर मिला है वो मैं यहाँ आपके सामने रजू करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई भी शास्त्र सीखने के लिए तीन चीज़ है, उसमें एक चीज़ रहती है कि शास्त्र के बारे में जानकारी होना, जानकारी के बाद रहता है कि उसके बारे में सीखना। ये दो स्टेज हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहता है, उसके बाद शुरुआत होती है अपनी आगे की जर्नी, जिसके में अनुभव के द्वारा हम जो आगे बढ़ते हैं और उसको समझने का जो प्रयत्न करता है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो हर एक की अलग रहती है। जैसे कि हम क्लास में लेक्चर देते हैं, सपोज 50 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, सबके लिए लेक्चर कॉमन डिलीवरी हो रहा है, लेकिन हर एक विद्यार्थी अपने अपने हिसाब से उसको ग्रहण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो थर्ड लेयर है समझने की कोशिश, अंडरस्टैंडिंग की कोशिश, वो कंडीशंस हर एक की अलग अलग रहती है। और उसमें जरूरी नहीं है कि जो रूल्स है प्रिडिक्शंस के, रूल के हिसाब से हम प्रिडिक्शन करें। रूल्स एक कंडीशन ऐसी है कि पर्टिकुलर स्टेज तक हमें लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे ये सिचुएशन नहीं बन सकती। जैसे आप उसमें अनुभव के हिसाब से अपना अनुभव उतरते जाएंगे तो धीरे धीरे उसमें उसका अंडरस्टैंडिंग अलग बनती जाएगी और शायद वो रूल से अलग हो जाते हैं। अभी यहाँ जो एक बात करने जा रहा हूँ वो कंडीशन ऐसी है कि ग्रह हमें दृष्टि के हिसाब से किस तरह से अलग एंगल से हम लोग देख सकते हैं, तो उसके लिए देखेंगे कि ग्रह की जो भूमिका है उसमें एक साइड पे सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र है, दूसरी साइड पे मंगल, गुरु, शनि। आप समझ गए होंगे कि ये जो ग्रह है मंगल, गुरु, शनि, वो वायुमृत के ग्रह है, पृथ्वी की बाहर की कक्षा के ग्रह है, बराबर। और ये जो ग्रह है इसके अंतर्भूत ग्रह है जो पृथ्वी और सूर्य के कक्षा के अंदर आते हैं। तो ये जो ग्रह है मंगल, गुरु, शनि, और हमें सबको पता है कि यहाँ मंगल, गुरु, शनि की विशेष दृष्टि सब जगह ली हुई है, जिसमें 4, 7, 8, 5, 7, 9 और 3, 7, 10 ये सबकी दृष्टि
विशेष दृष्टि दी है। तो ये विशेष दृष्टि देने का कारण क्या, क्योंकि हर एक जो ग्रह है उसमें सात्विक दृष्टि कॉमन है, तो विशिष्ट दृष्टि देने का कारण क्या, वो एक माइंड में जो मुझे कितने साल से चल रहा था और एक कुछ निष्कर्ष पर भी पहुंचा था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्लास में वो मैं फिगर आउट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्लास में एक सिलेबस के जरिए हमें जाना पड़ता है, एक लिमिटेशन रहती है, ग्रुप ऑफ क्लासेस की स्टैंडर्ड रहती है, तो वो सब सारी चीज ये भी हम प्रिडिक्शन में इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो फैक्टर्स को हम इतना बता नहीं सकते हैं, क्योंकि क्लास की लिमिटेशन सिलेबस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे मौका मिलता है तो एक रिजर्व करता हूँ कि ये विशेषण दृष्टि होने के कारण मेरे हिसाब से क्या हो सकता है और उसके पीछे क्यों उसका स्पेसिफिक रीजन्स है वो अभी देखेंगे हम लोग। अभी जैसे बताया कि जन्म कुंडली के अंदर हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं कुंडली बनाने के लिए, उसमें जन्म दिनांक, जन्म समय, दिन और जन्म स्थल। तो जब भी हम कुंडली ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर ये जो स्थान है चतुर्थ स्थान, जिसे गंध स्थान में सबसे वीक निर्बल स्थान बनाया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्थान बहुत महत्व का है, क्योंकि यहाँ हम लोग फादर देखते हैं, कोई ओपिनियन में फादर की कंडीशन यहाँ भी है, एज ऑन टुडे वो चर्चा में नहीं देता हूँ और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो ये जो स्थान है चतुर्थ स्थान, जन्म स्थान, अपनी जन्मभूमि, वो किसके पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अपनी माता पे। माता डिसाइड करती है या उसकी कंडीशन लेके जाती है कि उसे कहाँ बच्चे का जन्म रहेगा, कहाँ कंडीशन जाएगी। कभी कभी देखते हैं, बहुत सारे किस्से सुनते हैं कि ट्रेन में बच्चा पैदा हो गया, एयर में फ्लाइट में बच्चा पैदा हो गया, रास्ते में कहीं हो गया, तो वो डिसीजन लेता है कि मुझे वो लोकेशन में पहुँचना है, लेकिन उसके पहले सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो नौबत आती है, या ससुराल एक जगह है, मायका एक जगह है, कहाँ करने का उसका बर्थ प्लेस डिसीजन, वो जो उसको तय करने की कंडीशन, ऑथोरिटी कंडीशन जो मिलती है, कि जो भी उसके गुणवत्त संबंध आते हैं वो यहाँ से आते हैं, माता के पास से। मदर डिसाइड करती है अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि, जो भी एक लोकेशन डिसाइड होता है, और वो कंडीशन के हिसाब से अगर दूसरा फैक्टर देखा जाए कि डेट टाइम, ये दो चीज है, और दूसरा है बर्थ प्लेस। तो डेट और टाइम अगर बर्थ प्लेस निकल दे तो सबका प्लानिंग पोजिशन राशियादि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, लॉन्जिट्यूड रेस्पेक्ट के हिसाब से, डेक्लिन के हिसाब से, वो फैक्टर सब आपको एक ही मिलेंगे। आदमी का भविष्य बदलता है जब ही उसका बर्थ प्लेस एक डिसीजन फैक्टर बन जाता है। कोई आदमी बॉम्बे में बर्थ लेता है, कोई आदमी वो टाइम पे कलकत्ता में लेता है, कोई चिकागो में लेता है, लंदन में लेता है, तो वो एक सीनियरों जो चेंज हो जाता है, उसके अंदर मदर का रोल अपने जातक के पूर्वजन्म संस्कार के साथ
एक तय होते हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं उसको एक जो एक मैंने अनुभव किया है वो आपके सामने अभी रिजर्व करने जा रहा हूँ। ये कान पुरुष की कुंडली है, कान पुरुष की कुंडली में हमने जो ग्रह के दो विभाग बताए, वायुवृत्त कक्षा के ग्रह और अंतरिक्ष कक्षा के ग्रह, तो यहाँ जो परिस्थिति है वही मैं लिखता हूं। उनके स्वामित्व के हिसाब से अभी देखिए यहां कि मंगल, शनि और गुरु कुंडली में ये एक स्थान ऐसा है जिसके अंदर तीनों वायुवृत्त ग्रह कंट्रोल करते हैं नैसर्गिक तौर पे, और वो कंट्रोल अपना माता के साथ, अपने पूर्वजन्म के संस्कार के साथ, अपनी जन्मभूमि के साथ जुड़े रहते हैं। ये अन देखे हुए कंडीशंस में हमें उसे उसका फल आता है। दूसरी कंडीशन ये है कि यहां मैं दूसरा चार्ट ड्रॉ करता हूं, सेम कुंडली के अंदर और यहां से ये, यहां से ये और यहां से ये एक चतुर्थ स्थान और अष्टम स्थान जीवन के दो ऐसे स्थान है जिसके अंदर बाह्य ग्रह मंगल, शनि, गुरु प्रभावित होते हैं। लेकिन हम लोग जब कुंडली देखते हैं तो ये कंडीशंस बहुत टाइम प्रत्यक्ष रूप में नहीं होने की वजह से हम लोग उसको नहीं गिनते, लेकिन ये कंडीशंस यहाँ देखने को मिलती है। और ये स्थान चतुर्थ स्थान और अष्टम स्थान जो जीवन का अंतिम स्थान बोला जाता है, आयुष्य का स्थान के हिसाब से यहाँ देखा जाता है, तो ये दोनों स्थान जीवन के अंतिम स्थान के साथ गुणानुगुण संबंध के साथ अपने साथ चलते हैं, और वो हिसाब से जन्म जन्म ये मंगल स्वरूप शनि गुरु के बाह्य ग्रहों की जो इफेक्ट है अपने कर्मों के हिसाब से हमें जो मिलते हैं वो यहाँ हमें लीड करती है कि जन्मभूमि अपनी कौन सी रहेगी। हम डिसाइड नहीं कर सकते, मदर डिसाइड नहीं कर सकती, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, मदर की विश रहती है लेकिन कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये सिचुएशन यहाँ रोल प्ले करती है मंगल, शनि, गुरु की आने वाला जातक की कंडीशंस में उसके पूर्व जन्म का मीन्स कर्म हिसाब से उसकी भूमि के साथ क्या रिश्ता बनेगा, मदर के साथ कौन सी कंडीशन बनेगी, और वो जातक कितना अपने संस्कार के हिसाब से लाइफ के साथ मदर या जन्मभूमि के साथ वो किसी तरह से आगे बढ़ सकता है, क्या कंडीशन रहेगी, वो एक फैक्टर्स यहाँ मंगल, शनि, गुरु के हिसाब से मिलते हैं। दूसरे बहुत सारे पहलू है लेकिन वो पहलू अभी समय मिला तो आगे जाएंगे, लेकिन ये जो कंडीशन है एक मंगल, शनि, गुरु का कॉम्बिनेशन ये फैक्टर्स मिलता है।
अभी ये फैक्टर्स को देखेंगे तो उसे दूसरी तरह मैं एनालिसिस करता हूँ। अभी देखिए कि मंगल एक चार सात आठ जब भी वो एरिस में रहता है तभी मीन्स यहाँ मतलब एरिस या फर्स्ट भाव का संबंध नहीं है, एक नैसर्गिक तौर पे बात कर रहा हूँ। वृश्चिक में रखेंगे तो उसका संबंध आता है आठ ग्यारह और दो और तीन। गुरु जब भी धन में रखता हूं तो नाइन वन थ्री फाइव, मीन में रखता हूं जब बारहवें भाव कंडीशन में तो ट्वेल्व फोर सिक्स एट। शनि मकर में रखता हूं दस बारह चार सात और कुंभ में रखता हूं इलेवन वन फाइव। अभी इसमें से कॉमन जो फैक्टर्स मिलते हैं मुझे चार चार चार, आठ आठ ये कंडीशन आती है तीनों ग्रह की, चौथा और आठवां स्थान। बाद में मंगल गुरु में कॉमन एक्सेप्ट दिस बराबर है, तो यहां एक ये है बाद में तीन तीन और आठ नहीं एक नहीं पांच बारह सेवन बारह छह। मंगल शनि में सेवन सेवन इलेवन इलेवन ये एक स्थान इधर ही आ गया पूरा तीनों कॉमन में एक चारा ये कंडीशन में। और गुरु शनि में पांच ये
बारह ट्वेल्व ये दोनों मंगल शनि में ये सेवन आ गया। तो ये कि कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जिसके अंदर मंगल गुरु शनि खास तौर पे वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट हाउस एक काल गंडा के हिसाब से रहता है तो चार और आठ बाकी के ये ग्रह यहाँ इफेक्ट करते हैं, मंगल गुरु, मंगल शनि और ये ऐसे की तरह। अभी ये उसको मैं दूसरी तरह से देखूं सिचुएशन क्या बनती है। कि मंगल चंद्र शुक्र और बुध ये तीन को इफेक्ट कर रहा है, मंगल चंद्र शुक्र और शनि। गुरु चंद्र बुध मंगल और सूर्य शनि गुरु के साथ चंद्र शुक्र मंगल सूर्य। अभी देखिए यहां चंद्र अंतर्भूत ग्रह जो है वो तीनों में कॉमन आता है। इसका मतलब ये तीनों ग्रह का जो कुंडली के क्षितिज ऊपर के भाव है, फर्स्ट हाउस यहां से स्टार्ट होता है, क्षितिज नीचे से यहां से स्टार्ट होता है, तो ये जो ग्रह है मंगल गुरु शनि का जो कॉम्बिनेशन है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फैक्टर चंद्र पे है। चंद्र मैंने मदर माता और उसके साथ जुड़ा हुआ अपना जन्म स्थान, तो जिसकी कुंडली में ये फैक्टर्स बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन ये कंडीशन ये फैक्टर्स है। दूसरी कंडीशन देखेंगे कि यहां मंगल बाह्य गति ग्रह शनि के साथ संबंध कर रहा है तो शनि भी मंगल के साथ संबंध कर रहा है, तो शनि भी उसके साथ संबंध कर रहा है। दूसरी कंडीशंस गुरु या सोचने की बात यह है कि गुरु जो धर्म ज्ञान का कारक ग्रह है वो अपने चंद्र और सूर्य मन और आत्मा दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, कि जब भी शनि चंद्र सूर्य दोनों के साथ जुड़ा हुआ है और सिर्फ मंगल चंद्र के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि गुरु शनि चंद्र सूर्य दोनों के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन यहां शनि जो मेन ग्रह है कर्म का ग्रह वो अंतर्भूत के ग्रह के साथ में बुध को छोड़ दिया है, बुध के साथ उसका कोई नाता नहीं है, या उसका बुध के साथ कोई नाता नहीं है और मंगल का
सूर्य और गुरु के साथ कोई नाता नहीं रखता। तो मंगल जो शक्ति का प्रतीक है और ये शक्ति अपनी शारीरिक शक्ति का जो प्रतीक है और सूर्य आत्मा की प्रतीक का जो है, तो जब भी कुंडली के अंदर ये दो कॉम्बिनेशन साथ में हो जाते हैं तो वो जातक की परिस्थिति का विचार करना चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या रहेगी। यहाँ गुरु और शनि मन और आत्मा दोनों के साथ जुड़ा हुआ है और उसके अंदर अपने पूर्वज जन्म के संस्कार के हिसाब से चले जाते हैं। तो उसके अंदर जो शनि को यहाँ बोला गया है आयुष्य कारक, तो जैसे बताया कि ये चतुर्थ स्थान और आठवां स्थान की जो प्रक्रिया है उसमें शनि कर्म का कारक और आयुष्य कारक बोला गया है, क्योंकि उसका एक कंडीशन है कि हो सके तो ये आयुष्य के अंदर जितना हो सके उतना कर्मों को नलीफाई करो, कर्म की मृत्यु कर्मों को नलीफाई करो। तो ये एक दीर्घायु पॉइंट ऑफ व्यू उसे यहाँ राजा ने ज्यादा दिया गया है, क्योंकि वो शनि आठवें स्थान में एक जो लंबे आयुष्य की कंडीशन के हिसाब से उसे कारक माना गया है, तो इस हिसाब से जातक को एक अच्छी तरह के तर्क भी मिल सकती है कि अपने कर्मों को हो सके उतना निष्काम की ओर से आगे बढ़े, तो ये फैक्टर्स उसे भविष्य में लाभदायक हो सकता है। तो यहाँ कहीं भी कंडीशन में पर्टिकुलरली ये सिचुएशन नहीं आती है। मेन इम्पोर्टेंट है गुरु शनि का संबंध चंद्र सूर्य के साथ है, लेकिन मंगल का संबंध चंद्र के साथ है, सूर्य के साथ नहीं है। और अपने पढ़ा भी होगा कि मंगल चंद्र की राशि में ही निचका होता है, मंगल चंद्र की राशि में निचका होता है और चंद्र मंगल की राशि में निचका होता है। तो उसके पीछे भी जो कार्य कारण हम देख सकते हैं कि मंगल चंद्र के साथ